वी, हमें भी कोई स्टोरी बुक दो ना, मैं स्टोरी पढ़ के चुलबुल को सुनाऊंगा। हाँ वीर, तुम तो होमवर्क करने में बिजी हो, हम बैठ के यहाँ बोर हो रहे हैं। ओके चिंटू, ये लो ये स्टोरी बुक, तुम पढ़ के चुलबुल को सुनाओ, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे डायनासोर थे, वो सब एक हिरन के पीछे पड़े हुए थे। डायनासोर कैसे होते हैं, जरा तस्वीर तो दिखाओ, मैंने डायनासोर कभी नहीं देखे। इस बुक में सिर्फ स्टोरी है, कोई फोटो नहीं है। फोटो होती तो स्टोरी का और मजा आता। ठीक है, मैं इसमें स्टोरी के हिसाब से चलती फिरती तस्वीरें भी डाल देता हूँ, हमें एक फिल्म जैसा मजा आएगा। चलती फिरती तस्वीरें, वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हे वीर, देखो देखो हिरन। ये कहां से आ गया? How cute, कितना प्यारा है। हिरन टेबल के नीचे छुपा है, ना डरा हुआ है। हिरन दोस्त अंदर जाओ, तुम्हारी जगह अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन उन डायनासोर्स का क्या, जो फुर्सत दिन में चले गए हैं, जल्दी जादू से उन्हें वापस बुलाओ। अभी लो, वो मेरे जादू से बने हैं, इसलिए उनपे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बुक को जिस किसी भी डायनासोर के चेहरे के सामने करेंगे और जब वो ये बुक देखेगा तो फौरन इसके अंदर चला जाएगा। तो फिर जल्दी चलो। भागो, 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 इमली, अंदर ही रहना, मैं और चिंटू अभी वापस आते हैं। ये फुर्सत गंज में डायनासोर कहां से आ गए? चट्टा करता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ इमली, लेकिन सामने वाली छत पे जो खड़ा है उसे शायद मोर सुंदर नहीं लग रहा। अंकल अंकल, देखो मेरा निशाना ठीक उस मोर पे ही लगेगा। हम भी तो देखें तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है। हमारा निशाना तो बिल्कुल बेकार है। बंटी, किसी भी बर्ड को मारना अच्छी बात नहीं है, और पीकॉक तो हमारी नेशनल बर्ड है, इसे मारा तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। अंकल आप तो बड़े हो, आप ही समझाओ ना बंटी को। बंटी चलो नीचे, हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन पकड़ के अपने फार्म हाउस ले जाएंगे, वहाँ इसे पिंजरे में बंद कर देंगे। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। ये क्या है? अब मोर को हमारी और हमें मोर की बात समझ में आएगी। देखो वो डरा हुआ लग रहा है। हेलो दोस्त, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मेरे पंख में चोट लग गई है, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पा रहा, इसी वजह से तुम्हारे छत पर उतरना पड़ा। मैं इमली हूँ, ये है वीर, और ये हमारा दोस्त चुलबुल। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो,
हम तुम्हारी चोट में दवा लगा के ठीक कर देंगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी अपने शिकारी अंकल के साथ हमारे मोर को पकड़ने आ रहा है। चलो मोर को लेकर अंदर जाते हैं। मोर को क्यों अंदर ले जाएं? ये हमारी छत है, जो आ रहे हैं उनको ही वापस भेज दो। ये क्या कर रहे हो? उनको चोट लग जाएगी। अंकल संभाल के अंकल। टिम्बक्तु, तुम्हें क्या लगता है मैं वीर को खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? बॉस, सुपर डुपर जीनियस, आप वीर को एक ना एक दिन जरूर खत्म कर दोगे। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन वो एक दिन आएगा कब बॉस? वीर को पकड़ने की चाह में तो आप बूढ़े हो गए बॉस, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब उसे खत्म करने के चक्कर में खुद ही खत्म नहीं हो जाना बॉस? आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। तुमने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाओगे। ये है मेरा नया रोबोट डार्क मैग्नस। आज की रात फुर्सतगंज के लिए काली रात होगी, और मेरा डार्क मैग्नस रोबोट फुर्सतगंज में अंधकार फैला देगा, और उस अंधकार में वीर का विनाश होगा। विनाश, ये डार्क मैग्नस। बॉस कह रहे हैं तुम फुर्सतगंज में अंधकार फैला दोगे। जरा एक सैंपल तो दिखाओ। स्टॉप इट, स्टॉप इट! मेरे एक्सपेरिमेंट्स की सारी मशीन खराब हो जाएंगी। टिम्बक्तु, कभी तो अकल से काम लिया करो। आसमान में तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ इमली, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों बल्ब जल रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं। वीर, वीर, वो कौन था जो ऊपर से हंसता हुआ उड़ के गया और अंधेरा फैला के चला गया? वीर, तुम्हारे यहाँ बिजली है? नहीं आंटी, अभी अभी अंधेरा हो गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। विंग सूट ऑन, विंग सूट ऑन। जो बिजली चली गई है ये रख लो। अरे वीर कहाँ है? वो चेक करने गया है कि बिजली क्यों गई है। पूरे फुर्सतगंज की बिजली गई है। दादाजी, दादाजी, एक काला साया उड़ता हुआ गया है, वो हंस रहा था और उसके जाते ही बिजली जैसे उसके बदन में सक हो गई। काला साया जो बिजली सक कर रहा है, जरूर मैड मैक्स की कारस्तानी है। वीर को होशियार रहना होगा। रोबो बॉय, ये अंधेरा कैसे हो गया? प्लीज जल्दी से लाइट का बंदोबस्त करो। आग, आग, आग लग गई है। अरे तभी तो धुआं उठ रहा है। जिंटू पानी डालो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कौन है ये बदतमीज? ओह अटेंडेंस अंकल। अटेंडेंस अंकल? ये अंकल साल में एक बार धरती के सब जिन की अटेंडेंस लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब अपने अपने मालिक के पास हैं कि नहीं। जिंटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर पानी डाला, मैं तुम्हें रजिस्टर में एब्सेंट कर देता हूँ। सॉरी अंकल, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, अटेंडेंस रजिस्टर भर दे तू, जिंटू का नाम लिख दे तू। अंकल आप कुछ खाएंगे पिएंगे? फिर मुझे भिगाया।
मैं तुम्हें देख लूंगा चिंटू, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी अच्छी खबर लेता हूँ। वीर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आज वो अटेंडेंस अंकल चिंटू को नहीं छोड़ेगा। चलो वीर, बाहर चलकर खेलते हैं। चुलबुल, खेलने का नहीं, स्कूल जाने का टाइम है। चलो चलते हैं। बड़ी भूख लग रही है वीर, कुछ गाजर खिलाओ ना। दादाजी बाजार गए हैं, वो गाजर लेकर आते ही होंगे। काश हमारे पास भी वो मैजिकल फेदर होता और मैं मंत्र बोलता। वीर, वो जिन अंकल ने क्या बोला था, प्लीज वो मंत्र बताओ ना। मैं जिंटू से वो मैजिकल फेदर मंगवा लूंगा और मुझे जब भी भूख लगेगी मैं वो ही मंत्र बोलूंगा। चुलबुल, तुम भी ना बेकार की जिद करते हो। अच्छा लो सुनो, वो मंत्र जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, जल्दी से गाजर बना दे तू और झटपट चुलबुल को खिला दे तू। जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन ये आपकी तारीफ क्यों कर रही है? आपका हर आविष्कार तो वीर के सामने फेल हो जाता है। आपको ऐसे चमचों के मुंह नहीं लगना चाहिए बॉस। Shut up, you कद्दू इंसान। टिम्बक्टु, ये रोबोट कार है, ये वीर को पकड़ के यहाँ लाएगी। इसे ले जाओ और वीर के घर के पास छोड़ दो, बाकी काम ये खुद कर लेगी। बचाओ वीर, बचाओ, हेल्प हेल्प। अकेले अकेले कहाँ घूमने जा रहे हो? अरे मुझे भी तो ले लो वीर। वीर, वीर, ये क्या हो रहा है? हम अंदर बंद कैसे हो गए? ये रोबोट कार है, अपने आप हर काम करती है। इसे जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा। तुम पीछे हट जाओ, मैं अभी इसका ग्लास तोड़ता हूँ, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। वीर, तुम ठीक हो? हाँ, इस कार में मेरी लेजर बीम काम नहीं करेगी, दादाजी से पूछना होगा। इस कार में फोन जामर लगा है, मैं दादाजी को कॉल नहीं कर सकता। वीर, अब तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वीर, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तुम चिंता मत करो इमली, मैं अभी कुछ करता हूँ। पीछे पीछे ही हूँ और तुम्हें छुड़ा के ले जाऊंगा। वी, ये जगत कितनी अच्छी है। हाँ इमली, ये
जगह बहुत सुंदर है। इस बार कैंपिंग में बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, कल हम उस पुराने किले में घूमने जाएंगे। वहाँ मत जाना साहब जी, वहाँ मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ भूत रहता है। मेरे बच्चे भूतों से नहीं डरते, वो जानते हैं कि भूत हकीकत में नहीं होते हैं। क्यों बच्चों? यस सर। वो कैसी आवाज है? वो भूत है, और आवाज उसके दोस्त भूतों की है। मैंने कहा था ना कि वहाँ भूत रहते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता, जरूर वहाँ कोई आदमी रहता होगा। यकीन ना हो तो हम तुम्हें अभी चल के दिखा देंगे। वहाँ भूत नहीं, कोई और रहता है। क्यों बच्चों? यस सर। सर, रात में जाने से अच्छा है कि कल दिन में ही जाके सबको दिखा देंगे कि भूत नहीं होते। वीर डर गया, वीर डर गया। डरपोक डरपोक। वीर किसी से नहीं डरता। सर चलिए अभी चलते हैं उस किले में। क्यों वीर? मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन रात में उस किले में जाना ठीक नहीं होगा। हम स्काउट्स हैं, स्काउट्स कभी किसी से नहीं डरते। चलो हम अभी उस किले में जाके ये साबित कर देंगे कि भूत नहीं होते हैं। सर हम भी चले क्या? लेडीज टीचर्स यहीं रुके, कैंप में भी कोई होना चाहिए। ओके थैंक्स। मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर सर, यू आर प्राउड ऑफ मी ऑल्सो ना? क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सर, मेरा मतलब है यू विल बी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। मैं भी रोबोट बना के लाऊंगा। पापा पापा प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना। प्लीज प्लीज प्लीज, अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। मोना, देखा तुमने, हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है। उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। ये लो, कुछ प्लेट्स और कटोरियां हैं जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू दादाजी, ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। वीर, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं जादू से बना देता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। देखो, गाजर से बना एक शुद्ध देसी रोबोट। इसके फीचर्स बाद में बताता हूँ, पहले इसके काम देख लो। ये तो बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा बनाओ तो मजा आएगा। ये लो, बड़ा बन गया। अब आएगा मजा। मेरा रोबोट खा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीर बचाओ, देखो चिंटू ने मेरा ही रोबोट बना दिया। वीर मम्मी, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया।
ओए तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट। पापा